अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। आई नो इंट्रो देख के जो है आप लोग घबरा गए होंगे कि किस किस्म का इंट्रो, मैं क्या से दाखाना खोल रही हूँ, बट ऑफकोर्स वर्ड के जो है बंदा फेस वॉश ही करता है ना, तो मैं भी वही कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना इग्नोर करना, ठीक है। आई नो मैं बहुत ही बदशक्ल और बकवास लग रही हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अच्छी तरह से जो है अपना फेस वॉश करी जा रही थी, ठीक है। और आज जो है ना, मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल थोड़ा लेट उठी हूँ, 2 बजे उठ गई थी, और मैंने जो है ना पूरी तरह से जो है अपनी नींद पूरी की थी, क्योंकि आप लोगों को अगर ना पता हो तो लाहौर में जो है ना इतना मज़े का और इतना प्यारा वेदर हो रहा था ना, तो जब मैं सो रही थी ना तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। और शुक्र है कि गर्मी जो है थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि पिछले ना 2-3 हफ्तों से जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इस वजह से जो है ना मैं घबरा भी गई थी, लेकिन शुक्र है कि अब थोड़ा सा ना मौसम ठीक हुआ है। तो रात को चाहे जितनी मर्ज़ी बारिश हो, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, लेकिन सुबह जो है धूप ने आना ही होता है। लेकिन ना धूप आई थी, लेकिन मज़े वाली जो मज़े की धूप होती है ना, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा गर्म नहीं थी और बिल्कुल परफेक्ट वेदर था, बहुत ही मज़े का वेदर था। लेकिन ना मैं यहाँ पर बैठ तो नहीं सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन ना बड़ा ही मज़े का वेदर था। और ऑफकोर्स इतना अच्छा वेदर हो और मतलब बारिश वाला, इतने मज़े का ठंडी हवा वाला वेदर हो और हम लोग पकौड़े ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा जो तरीका होता है ना पकौड़े बनाने का, उस तरह से जो है मैंने बना लिए थे पकोड़े। और अगर आप लोगों को ना पता हो कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग जो है ना मेरे वीडियो देख लेना पकोड़ों वाली, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने जो है ना ये रेसिपी रमज़ान में ट्राई की थी और वो इतने मज़े के बने थे कि उसके बाद से जो है ना मैं पकोड़े ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। तो ये ना 2 प्लेट्स थी, एक में मेरे पकोड़े थे और एक में जो है वसाम के थे, वसाम को इन दे दिए थे और उसके बाद जो है मैं खुद भी खा लिए थे। यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह पड़े हुए थे किचन में, तो वो वॉश कर रही थी मैं और अच्छी तरह से जो है किचन को साफ़ कर रही थी, ज़ाहिर सी बात है। और उसके बाद जो है ना लंच की बारी आ गई थी, तो वसाम ना और तामुक मुझे नहीं याद कहाँ गए हुए थे, लेकिन ना कहीं गए हुए थे मुझे नहीं याद। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ना लंच में बनाया था पराठा और साथ जो है मलाई थी और चीनी थी, और ये बहुत ही मज़े का, मैंने काफ़ी मतलब सालों बाद जो है ना मलाई और पराठा का जो है नाश्ता किया था, और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी था, और मुझे जो है ना ये खाने का बहुत ही मज़ा आया था, और ये पराठा ना बड़ा ही मज़े का था, उसके ऐसी बातें मैंने बनाया। तो बस ये था फजूल सा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करें, बाय।